सदा अमर रहेगा प्यार। सुनी सकुमारी ये जोड़ी तुम्हारी शुभ दिन सो लिखा ओ लिखा तक तीरे देगा। उषा पार्वती के शब्द सुने के कि मेरा पति आज रात के स्वप्न में मेरे पास आवेगो। जवाब दो तो मैया अब मैं क्या करूं। जवाब दो बिटिया तूने काफी मेरी तपस्या कर ली अब तू जा अपने घर को और आज रात के स्वप्न में तेरा पति तेरे पास आ जाएगा। अब तो उषा चल गई और भैया अपने भवन में आ गई। और एक और बात बता दें तुम्हें कि ये बाणासुर का बयाना में किला आज भी मौजूद है। बाणासुर का अलग है और उषा का अलग है। उषा अपने भवन में आ गई और भैया कहा कर रही सुनो के आ गई अपने भवन में कोई मन में तो खुशी रे भवन में कर सोले श्रृंगार और नहाए धोए के सो गई भैया मन में खुशी अपार। उषा अपने भवन में पिछला ऐसे यानी चार बजे के करीब आ गई दिन छुपने से पहले और तैयारी में लग गई कि माँ जगदम्बा ने आज मुझसे ये कहा कि रात्रि के स्वप्न में तेरा पति तेरे पास आ जाएगा। सोले श्रृंगार करके उषा और भैया अपने भवन में अट्टा के ऊपर खटिया बिछा के लेट गई और कहा सोच रही मन में भैया करी आदिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में करिया दीपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में राधे बगल एक तरफ हो जाओ। आप लोग सुनो ध्यान से भागवत की कथा है। आज वो उषा माँ जगदम्बा के शब्द दिमाग में रख के सो गई कि मेरा आज रात के स्वप्न में पति मेरे पास आएगा। करी आदिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में करी आदिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में नीचे राधे जाकी चमके बिंदिया ओ राधे उजेरी रात हती और छोरी सोले श्रृंगार करे हती हो और जे सोच रही कि मेरा पति कब आ जाए। जाकी चमके बिंदिया जाकी चमके बिंदिया कवया में वो पिया कवया में
है वो पिया है दैया जया वीर पिया हो गई नान दिया या खोई आधी रात हो गई नींद नहीं आई अब क्या हुआ जग धड़के जिया जग धड़के जिया सोच रही धड़कन बढ़ गई दिल की जग धड़के जिया जग धड़के जिया कवे याद वो पिया कवे याद वो पिया पत की दीवानी हो गई अनियारी रातों में फरियाद पति की हो गई घर में भी हाथों में आज मेरे भगवत प्रेमियों रात हो गई जागते जागते पिया की चिंता में और सोच में लगी आए जा पार्वती ने मैं वैसे झूठ बोल के भगा दी वहां से और सवेरे जाऊंगी और पहाड़ पे ते पकड़ के नीचे फेंक दूंगी कऊ को पिया पिया ना आए रहा हम वैसे ही भगाए देवा ने जब आधी रात से रात नीचे को ढली हुआ क्या छोरिए नींद आ गई क्योंकि कुछ ठंडी हो गई रात जब छोरिए नींद आ गई तो क्या हुआ सुनो हंसे हंसे बतराई हंसे हंसे बतराई हंसे हंसे बतराई बाहों में सुलाई लई बाहों में सुलाई गई सपनों में रानी हो गई बातों की बातों में फरियाद पति की हो गई घर में भी हाथों में जो आधी रात से रात ढली और भगवान कृष्ण का नाती अनिरुद्ध स्वप्न में पहुंच गया उषा के पास उषा बड़े प्रेम से बातचीत करने लगी और भैया थोड़ा ही सा समय लगा तब तक सवेरा हो गया आंखें खुली तो वहां कोई नहीं जब आंखें खुली सवेरा हुआ कोई नहीं नजर आया अब तो क्या हुआ भैया सवेरा रो रही है जी करे करे पत की भैया याद जी ए
कर कर पथ की याद, बिना तुम्हारे नाथ या वो कौन सुनेगा फरियाद। अरे हमला हुआ तो ऊंचा इधर उधर देखने लगी, जब पति कहीं नजर नहीं आए तो रोने लगी। और कैसे पुकार रही, कहा कह रही, भैया सुन लियो, कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखानी कह रही। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखानी आजा, तू किसी और के मिलते थे बहाने सवेरे ही सवेरे रोने लगी है और कहने लगी, ए तू कहाँ है, अरे तू कहीं और के बहाने से चलो आ मुझसे मिल जा दिनों में। जब रोती है सवेरे उषा, इधर मैं क्या पीछे और हट जाओ, तुम हमारे पीछे बैठ जाओ यार तुम। इधर में चित्रा चित्रकला जो थी उसकी दासी सहेली वो झाड़ू लगाती डोल रही भवन में। चित्रकला ने देखा, जी भैया कौन है बुलाए रही है। चित्रा ने आवाज लगाई, ए उषा, अरे तू कुआरी छोरी है, तू कौन है बुलाए रही है, भैया के कौ और के बहाने से आ जा। उषा नहीं बोली। चित्रा पास में गई और चित्रा ने कहा, तू किसे बुला रही है, तुझे मालूम है तेरे पिता की, अगर तेरे पिता को मालूम चल गया तो क्या होगा। उषा कहने लगी, क्या होगा, फांसी। जाए हम भी सब फांसी पे चढ़ जाए, बोरे हम तो ऐसे ही पुकारेंगे, देखे हमारे को क्या करेगा। नीचे की तरफ चित्रकला ने देखा, आंसू बह रहे। चित्रकला ने जवाब दो, उषा रो रही है, क्यों क्यों, तुझे क्या बता दूं, ओ बेना तेरी फांसी होगी सो तो होगी, लेकिन तू साथ में मुझे भी मरवावेगी, तारे तू कुआरी छोरी है, रो किसे किसे पुकार रही है, क्यों रो रही है, जवाब दो बेना, तुझे क्या बता, नहीं नहीं मुझे बता, बता तुझे मेरी कसम है, अगर तू मुझे बता देगी तो मैं तेरा दुख आधा बता लूंगी। उषा कहने लगी, जी बेना दुख ऐसा है तो मैं ते को बताए ना ले तो, क्यों कहा ऐसो बताओ तो सही, क्या बोली, ओ बताऊ बात क्या दिल की, ये जी प्यार ले
बिना ये धड़कन बिना झिले नहीं दुख ये मुझसे ये श्वासा टूट जाए मिले नहीं आज जो दिल पर ये दुनिया छूट जाएगी ओ डटे नहीं डांट दे हिल की ये जेबिया लड़खड़ा की के ओ याद जब आती दिल इस प्रकार से बताया बहना जाए मुझे मत पूछ के मैं क्यों रो रही हूँ नहीं नहीं मुझे बता तुझे मेरी कसम है मुझे बता दे तू क्यों रो रही है जवाब दो बहना सुन अब ना समझ पाई मैंने इसे खोल के तेरे सामने रख दी क्यों बहना आज रात में पति मेरे पास आए और वो सवेरा हुआ तो मुझे मिले नहीं बहना अब मैं उनके बिना जी नहीं सकती वो चित्रा ने जवाब दो बेना वैसे तो तू राजा की छोरी है उन्हें मन में तुझे आ रही थी गाल में ये कुछ छपा के दो क्यों कहूं क्वारीन के पति और ये क्या है स्वप्न की बात कोई सच होती है अरे मन है न जाने कहां पहुंच गए हो जवाब दो नहीं मन वाली बात नहीं माँ पार्वती का ये वरदान था कि आज रात में तेरा पति तेरे पास आ जाएगा अरे वो पति अब रात में मेरे पास आया अब वो बहना सवेरा हुआ मिला नहीं अब मुझे वो पति चाहिए अब चित्रा बोली तो तू अब की के मत चुपचाप बैठ जा और देख तुझे एक विधि बताऊंगी कि मेरा नाम चित्रकला क्यों पड़ा है जवाब दो बतावे ना कैसे पढ़ो मैं चित्रकला में सबसे आगे हूं और मैं बावनगढ़ के राजन के फोटो खींचूंगी मान लो बावनगढ़ के राजन के चित्र बनाऊंगी और जो त्यो पति हो ताकि मूर्ति कह दी उसे लेवा लाऊंगी तो उषा ने जवाब दो तो फिर बेटी कबकूंगे ला खींच फोटो पकड़ का देख रही अरे फोटू ने की रे लाइन रे लगाई भैया दबे दबे के अरे वो तू नी की रे लाइन रे लगाई जाकी ये का समझ नहीं भैया आई चित्रकला में फोटो खींचवा शुरू कर तो देखिए वह ना जे का ना जना बैठी बैठी जे तो नार रे हिलावे जाती एक समझ नहीं भैया आवे चित्रकला में फोटो खींचवा शुरू करो बावनगढ़ के राजन को फोटो खींच दो जवाब दो देखियो बहना जे का जना हाथ देखिए जे का लई जेऊ ना हाथ कह रहे मतलब और दिखाओ तो देखियो जे का कह लई जेऊ ना हाथ जागो तो बुरो सो मो तो बहुत सुंदर है बावनगढ़ के फोटो सामने चित्रकला ने उषा के सामने रख दे लेकिन भैया भाई समझ में एक नहीं आओ
जब एक उन समझ में नहीं आओ तो चित्रा ने जवाब दो, अब मैं समझ गई कि कुए तू बैठ जा चुप जा। का बोली? ए चित्रा करे विचार, हाँ चित्रा करे विचार, यदुवंशी परिवार समझ में आवे तब श्री कृष्ण को फोटो रे जी खींच के तुरंत दिखावे। चित्रकला बोली अब तू बैठ जा, मैं मालूम पड़ गई कि कोई यदुवंशी परिवार में तो भगवान कृष्ण को फोटो खींचो, आए मोड़ो ही मोड़ो बनाए बाओ तुम तो छोरी देखता गई आरसाई रही मुस्कियाई। अरे सुनो सरदारी, आए जाइते मिला चुलता रे फोटो खेचो मोड़ो ही मोड़ो बनाए बाओ ऐसा गए वो बेमो के का जइए का जवाब और खेच तई बतांग जो पूरो फोटो खिचे का से केन लगी का जइए जितो नाने पर तू जइते मिलतो जुलतो है तो डट जा सो अनुरोध को फोटो खींचो सो कहा बोली अरे हा आकाउ परो तेरे पैया आ आकाउ परो तेरे पैया जे हाथो देख मेरा पैया तो कहा डर लू बेना तेने तो मैं काम ही बनाए था जो ये जवाब तो बोले अब तू सुन ले ज्यादा तू कीखे मत चीखे मत और नहीं कहूंगे आवाज मालूम पड़ जाएगी। सुन अगर तेरा पति ये है तो आज दिन तो काट ले, आज जो रात आएगी उसमें जाते पति ये ते पास चाहे मुझे कितना संकट झेलना पड़ो ले आऊंगी। तो उषा ने जवाब दो भैया बात बहुत कम, उषा ने जवाब दो तो रात में ले आवेगी। हाँ चित्रा ने कही चिंता ही मत करे आज रात में कौन हो तम ते पास ला के रख दूंगी। उषा बोली तो बेना जा फोटो के मुझे दे जाता ना जा फोटो के सारे जीती रहूंगी। चित्रकला ने लेके फोटो दे दो और जो बाबरों भर के जो फोटो थे वे चित्रा दासी ने उठाए के उषा देख ले बेना जिन्हों दुआ खाए के दर्दी को पकड़ नहीं ले। उषा कहने लगी जिन्हें कहूं पजाब से धरे के इनते मुझे कछु ना करना। भैया अनुरोध का फोटो लेके उषा ने अपने पास रख लिया और चित्रा दासी कैसे चल रही है सुनो भाई लेवे अनुरोध दे ए बन के चली बैरागिन चित्रा ओ बन के चली बैरागिन चित्रा
बने के चित्रा चंदई। और सुनो कैसे कछु को दूरी तक बैराज ने बने के चली। और चित्रा सोचवे लगी कि यदुवंशी कन्हैया ऐसा चाला को बातन में पहचान लेगो तो मई कैद कर लेगो तो का करो। अरे चील रूप जन लियो बनाई ए चील रूप जन लियो बनाई पूरी द्वार का पहुंची जाई ए पूरी द्वार का पहुंची जाई सोलत देखो यानो रोद को मरक वो पलाई उठाइए उठाई मेरे भगवत प्रेमी हो वो चित्रादासी चील बन के और द्वारकापुरी के कोट में उतर गई और जादू से अनुरुद्ध कुमार को पलंग के सहित ले उड़ी आई। और पलंग के सहित ले उड़ के और कहां गई उषा के भवन में। और पलंग के समेत अनुरुद्ध सुलाइदा आवाज लगाई उषा उषा के लगी के तो कहूं तो बरियाई लौट आई अंदर से निकली क्या बात है देख तेरा पति जवाब दो बहना कौ रखे तो ना ने चीट लाई अब देख ले जरा के तेरा है के कौ रखो तो अब तू घर को जा। और क्या बोली उषा क्या करने लगी भैया के दुपटा खींच के दुपटा खींच के जब कुमार को जगाया अनुरुद्ध ने आंख खोली ओ हो कोट पर कोटा दिखाई दे। अनुरुद्ध सोचने लगा है मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ या मैं स्वप्न देख रहा हूँ मैं कहाँ आ गया। उषा ने जवाब दो तुम घबराओ ना कैसे तुम हाँ फंसे रहे हो घबरा रहे हो क्या जवाब दो हाँ हम घबरा घबराए का छुना रहे तुम हट जाओ हमसे दूर हट जाओ।
क्या कहने लगी, तुम घबराओ ना और सुन ले हो। मत तुम पिया मन में घबराओ, यहाँ नहीं कचूरे कोई नहीं आवे ना दिल घबराओ। और सुन ले, अगर तुम्हें जे साड़ी अच्छी नहीं लग रही हो तो साड़ी बदल दूं क्या बोली। ए ओढ़ लूंगी कारी चुनरिया, ए ओढ़ लूंगी कारी चुनरिया, बनो तू तो मेरा सर। अबे कहने लगे अनुरुद्ध ने जवाब दो, हम कहू के सैया भैया ना, चाहे तू भैया कारी चूंदर ओढ़ ले चाहे लाल ओढ़ ले, हम छोड़ दे हम जाए रहे। क्या कहा, जाए रहे। अब उषा कहने लगी तो सुन, या तो मेरी बात मान ले, तू मेरा पति है, अगर मेरी बात नहीं मानता है तो तू माल में जावते कड़े वो आसान मन समझ लियो। तो मालूम है जो कोट किसका है, जवाब दो। मुझे ना मालूम कौन है। बाणासुर का नाम सुना है, सो बाणासुर को नाम सुनो, सो अनुरुद्ध की आवाज ही नहीं करेगी, लो भैया जो मरवे के लिए मुझे लेको आयो। बाणासुर के 1000 भुजा है और वो मुझे मार डालेगा। कहने लगो भैया तो तू यहां मुझे लेको आयो। जवाब दो, हमने तुम्हें जादू से बुलाया है, तुम मेरे पति हो और अगर राजी बाजी से शादी कर लोगे मेरे साथ में तो ठीक है, मने करा दे तो करके ना जाए रहे। अनुरुद्ध ने जवाब दो, सुनो हमारी बात, शादी तो हम तुम्हारे साथ कर लेंगे लेकिन एक शर्त है। क्या? कि 1 साल में हमन छोड़ दे, हम आ जाएंगे तेरी शादी कर ले। वाह बड़ा चालाक है, जा नहीं सकता इसमें से निकल के। तो अनुरुद्ध कहने लगो तो 1 शर्त पे तेरे पास मैं रुक सकता हूं। कि क्या शर्त है? बोले तुम हमारी बहन बन के रहो तो हम तुम्हारे पास रह सकते। उषा ने जवाब दो, बड़ो पागल है, हमने तू भैया बनाए भी बुलाओ है, हा? तो मैं जाऊंगा, चाहे मरना मंजूर है लेकिन रुक नहीं सकता। अब उषा कहने लगी कोई बात ना, पहले आओ है और चले जाते, यूं ही कह दूं कि बहन बन के रहे हूं तो महीना खाड़ो मैं अपन आप सीधो पच जाओ। कहा बोली वचन निभाऊंगी, खेलो प्रेम ते सारा धर्म की बहना बन जाऊंगी। वचन निभाऊंगी, खेलो प्रेम ते सारा धर्म की बहना बन जाऊंगी। अब धर्म की बहन बन के तो कही रहूंगी लेकिन कोई दिया ढोर धर रहा है कि कितने दिना को कॉल करार कछु कर रहा है कि बस सही जीवन भर बहन बनाए के रखे। जवाब दो नहीं, 1 साल तक तू मेरी बहन बन जा और 1 साल पूरी हो जाएगी तो मैं तेरा पति बन जाऊंगा और तू मेरी घरवाली।
अनुरुद्ध सोचवे लगो एक साल को ठिया घर ले दोनों का वहां बाबा मत रहे वो का कहूं ना कहूं ढूंढ दाने के ले जाओ सोए सोए जाओ ब्याह जाए संगम बढ़िया। अब क्या बोली उषा कॉल करार मेरे पूरे जाए तो ब्याह रचाऊंगी खेलो प्रेम ते सारा धर्म की बेला बन जाऊंगी। बहुत अच्छे बेटा एक साल का कॉल करार दोनों ने कर लिया। ओ भैया अनुरुद्ध कहने लगो ठीक है तो तू मेरी बहन बन गई तो मैं तुम्हारे पास रह रहा हूँ। ओ भैया दिनों रात बड़े प्रेम से रहने लगे दसात दिना के महीना खाड़ के पीछे हुआ क्या पानी बदल गया न जाने क्या हो।